बारिश की वजह से तापमान इतना गिर गया था कि रजाई तो लेनी ही पड़ी, लेकिन रजाई के साथ कंबल भी लेना पड़ा। और जब आज बल पहुंचे तो यहां हम तापमान देखते हैं कि ये तापमान तो 30 डिग्री से ऊपर ही चला गया है। और ऊपर से जहां भाई विनोद जी ने आप सबके बीच में ऊर्जा भरी, गांधी जी ने और अजय राणा जी ने, उससे तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। भाई और बहनों, में सबसे पहले तो सभी पन्ना प्रमुख बहनों और भाइयों का आपके इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझसे पहले सब साथियों ने इस बात का जिक्र कर लिया कि पन्ना प्रमुख का दायित्व तो क्या है, काम क्या है। एक पन्ना जो मतदान का जो होता है, जिसमें वोटर लिस्ट का होता है, उसमें 30 वोट होते हैं। अगर जिम्मेवारी के साथ पन्ना प्रमुख काम करने वाला होता है तो रिजल्ट का इंतजार किए बिना वो वोट डालने के बाद अपने पन्ने का रिजल्ट घोषित कर सकता है कि मेरे पन्ने में से 30 वोट में से भाजपा को कितने, कांग्रेस को कितने। और इसलिए मैं कह सकता हूं ये बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करने वाला कार्य है, जिसके तो आपके जिम्मे लगाए। यहां पूछा जा रहा था हमारे पन्ना प्रमुख को कितने वोट होते हैं, उन्होंने कहा 30 होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने पक्के कितने, 4 बोलते मेरे परिवार के हैं और उसके साथ साथ में 13 लोगों से मेरी बातचीत हो गई है, 13-17 हो गए। और बाकियों से मेरा संपर्क करने का अभी तक जो है वो प्रयास है, बाकी लोगों से भी बात करूंगा। मैं सबसे पहले सभी भाई बहनों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि 30 लोग जो आपके 30 मतदाता जो आपके पन्ना में हैं, 30 के 30 लोगों से आपने बात करनी है। ऐसा मत छोड़ देना कि कांग्रेसी है तो उसको इससे बात नहीं करनी है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी भले ही झंडा तो कांग्रेस के लगाए हुए हैं घर में, लेकिन दिल में, दिमाग में एक बात में बड़ा साफ और स्पष्ट उनके भी हो गया है कि आएंगे तो होगी। जब आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बात का असर होगा। कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे कि आजकल बोलते हैं कोई सारे पन्ना लाल इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा ये पन्ना लाल जो है जब इकट्ठा होकर के काम में जुट जाएंगे तो आपका हाल जरूर खराब करेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा सौभाग्य है भाई और बहनों कि आज देश में कोई प्रश्न हमारे सामने कोई ना पूछ रहा है, ना कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है। चुनाव अभी होना है, वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती अभी होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले परिणाम ये घोषित है कि जीत होगी तो भाजपा की होगी, भी जीत होगी तो नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उत्तर एक ही आता है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, राष्ट्रीय अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, गांधी जी भी गए थे, विनोद जी गए थे, अजय राणा जी भी गए थे, सभी मंच पर बैठे, यहां के जो पहली पंक्ति में सब लोग गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया समापन में, और उन्होंने कहा कि एक विचित्र स्थिति है हमारे देश के लोगों के लिए जो हमें बहुत बड़ा सुकून देती है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सुकून हमको और भी ज्यादा अनुभूति देता है, महसूस करवाता है।
पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबकी भावना है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी भावना स्वाभाविक रूप से ऐसी ही होगी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा पूरे देश में ऐसा वातावरण खड़ा हो गया है, देश में कहीं भी किसी के गांव में गली में जाकर के पूछें तो लोग एक ही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और इससे आगे बढ़कर तुमने एक बात और कही कि आमतौर पर यह होता है कि जिस देश में चुनाव होता है वहां उस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बनने के बाद जो है दूसरे राष्ट्र उनको निमंत्रण देते हैं अपने देश में आने के लिए, लेकिन यहां हमारे पास निमंत्रण जुलाई के हैं, अगस्त के हैं, सितंबर के हैं, अक्टूबर के हैं, नवंबर के, पूरी दुनिया भर से। और होड़ इस बात की लगी है कि चुनाव के बाद मोदी जी पहला विजिट आप हमारे देश में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले हुई होगी। चुनाव होना है, मतदान होना है, वोटों की गिनती होनी है, परिणाम उसके बाद निकलना है, सरकार उसके बाद बननी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया भर से निमंत्रण इस बात के लिए कि चुनाव के बाद पहला विजिट आपका यूएसए होगा। कुछ बोल रहे हैं कि यूके में होना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, जर्मनी में होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए, इस बात की हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जहां दूसरी तरफ आप इस बात को देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नाम से एक गुनवा बना है, अभी तक उसका संयोजक करने कौन बनेगा, कौन नेता होगा, सीटों का गठबंधन की भी अभी तक फाइनल स्थिति पैदा नहीं हो पाई और ना हो पाई। इसलिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। सरकार आपकी बन रही है, प्रधानमंत्री आपके बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, और इस जीत को और यशस्वी बनाने के लिए आओ आज हम संकल्प लें। और भारतीय जनता पार्टी के यहां से जो प्रत्याशी हैं कंगना रणावत जी उनको भारी बहुमत के साथ जिताएंगे। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आए और उन नेताओं में से वो लोग भी शामिल थे जो कुछ मंडी जिला के थे, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से थे, और जो पार्टी के प्रत्याशी वो भी थे। और जिस भाषा में यहां कहा गया मंडी के बारे में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मंडी का अपमान करके, मंडी को गालियां दे करके आप जीतना चाहोगे, समर्थन लेना चाहोगे, ये हो नहीं सकता है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मंडी की भावना को जिस प्रकार से आपने आहत किया है कि मंडी के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके बुजुर्ग लोग भी राजनीति में रहे लेकिन कभी भी मंडी के लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं और इस बात को समझाने की आवश्यकता है जिनको और समझने की आवश्यकता है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको समझाने की भी आवश्यकता है। अब गांधी जी यहां कह रहे थे कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में नेरचौक में लक्षडी का डिवीजन दिया था, सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद सुखो जी ने पहली कैबिनेट में फैसले ले लिए, उसको डिनोटिफाई कर दिया। आपके रिवालसर में आईटीआई दी थी, आईटीआई भी डिनोटिफाई कर दी, वेटनरी डिस्पेंसरी वेटनरी हॉस्पिटल आपके दुर्गापुर में दिया था वो भी बंद कर दिया, पुलिस चौकी रिवालसर को अपग्रेड करके उसको थाना बनाया था वो भी डिनोटिफाई कर दिया, वेटनरी डिस्पेंसरी
सिवली में दी थी तो वो भी डिनोटिफाई कर दी। अब वोट किस बात के लिए मांग रहे हैं? अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, बददुआएं भी मत करिए। क्या अपन विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई बहन इस बात को भूल जाएंगे? जो विकास के लिए आप सबके सहयोग और समर्थन से हमने चीजें आपके कहने पर जो यहां पर दी थी, बजट प्रावधान के साथ उनको छीन लिया गया, उनको वापिस लिया गया। उसके बाद कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम विकास करेंगे। आपके इस बल विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हमने दिया। आपके बल विधानसभा क्षेत्र में नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने दी। मंडी में दो यूनिवर्सिटी दी, एक मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो एग्जाम होंगे, मेडिकल कॉलेज की रेगुलेशन की सारी सिस्टम जो है उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से चली, तो वो आपके नेर चौक पे यहां पर की। मंडी में यूनिवर्सिटी दी, 146 कॉलेज थे, 130 कॉलेज थे, 130 कॉलेज में से कॉलेज निकाल करके उसका साइज छोटा कर दिया। और कितना कर दिया? 46 कॉलेज उस पर रखे। आज उस यूनिवर्सिटी के, मंडी की यूनिवर्सिटी के टीचर और टीचर के साथ वो बाकी कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह देने के लिए भी पैसा बंद कर दिया, पैसा नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद ये सारे फैसले कैबिनेट में हुए, और यहां के जो प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो जवाब दें कि आप वहां पर कैबिनेट में बैठ करके वहां पर उपस्थित थे और आपके सामने ये फैसले होते रहे, तब आपको मंडी की याद नहीं आई? आपकी माता जी सांसद पार्टी के अध्यक्षा, लेकिन मंडी के सारे विकास के रास्ते बंद कर दिए गए। आपके बल विधानसभा क्षेत्र में हमने एयरपोर्ट का सर्वे किया, सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद दो सालों से लगातार हमने इसके लिए 1000 बजट का प्रावधान लगातार दो सालों में रखा लैंड एक्विजिशन के लिए। जब लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू होनी थी, कांग्रेस की सरकार बने, सबसे पहले क्या काम किया हमने भाई और बहनों? जिस 1000 रुपए को हमने आज तक किसी की उंगली नहीं लगने दी, हमने कहा ये 1000 रुपए बल विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने के लिए निर्धारित है, इस पैसे को हम कहीं नहीं खर्चेंगे। सबसे पहले क्या किया? वो 1000 करोड़ रुपए वापिस लेकर के प्रदेश के दूसरे हिस्सों में डाल दिया। प्रदेश में विकास की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या मंडी का ही पैसा वापिस लेकर के वो 1000 करोड़ रुपए लेकर के ही वो काम पूरा करना है? मंडी में शिवधाम के लिए 250 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया, 50 करोड़ रुपए का टेंडर हमने लगाया, और सरकार बनने के बाद सबसे पहला ये काम किया, 200 करोड़ रुपए वो भी वापिस लिया। मंडी के विकास के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए पड़ा था, अलग अलग डिपार्टमेंट में पड़ा था, और वो 150 करोड़ भी वापिस ले लिया। जो वोट मांगने के लिए आज हमारे बीच में यहां आ रहे हैं, जो कैबिनेट की बैठक में वहां पर उपस्थित होते हैं, क्या उनको इस बात को लेकर तो उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है? अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन जो काम चला हुआ है, काम चल रहा है, काम हो रहा है, उसको बंद नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर के हम साफ कहना चाहिए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हमने देखा। ये आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जयराम आए खुले में, हम चुनौती देते हैं हमारे साथ किसी भी डिस्कशन के लिए। 15 महीने में हिमाचल प्रदेश में सारा विकास रुका पड़ा, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस की जो मंडी की जो वर्तमान सांसद है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं चुनाव में वोट मांगने के लिए जाऊंगी तो किस मुंह से जाएंगे?
लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, विधायकों की सुनी नहीं जाती है, और सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये उन्होंने साफ कहा। जब आपकी माताजी ये कह रही हैं, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इतना जलील करेंगे मंडी को, चाहे हमारी बात है, चाहे हमारी पार्टी की प्रत्याशी है। जब कंगना रणावत घोषित हुए पार्टी के नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया, कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मंडी के लिए किया। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाह रहे हैं, और जो खास तौर से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कांग्रेस के नेता ने मंडी को ऐसी मंडी के साथ तुलना कर डाली जहां आदमियों की जिंदगी का जो है वो सौदा किया जाता है। और उसके बावजूद आप चुप हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस मंडी का जिक्र कांग्रेस के नेता वो कर रहे थे, ये मंडी वो मंडी नहीं, ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, देवभूमि है, और इस मंडी को छोटी काशी कहते हैं, जिसकी तुलना आप बहुत ज्यादा गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां की भावनाओं को जो है आपने आहत किया है, इसकी कीमत निश्चित रूप से आपको चुकानी पड़ेगी। ये सारी बातें मुझे लगता है कि ये पूछनी चाहिए। भाई और बहनों, मैं तो आप सबका हृदय से आभारी हूं। जब मंडी के सम्मान और स्वाभिमान का दौर आता है, आप सबका साथ मिलता है, आप चट्टान की तरह खड़े होते हैं। 2022 के चुनाव में भी आप सब चट्टान की तरह खड़े हुए, मुड़कर नहीं देखा। आप लोगों ने 10 में से 9 सीटें यहां पर हमने जीती है, इसलिए कि मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ाई का वक्त है। ये लड़ाई का वक्त है तो मंडी के सम्मान की लड़ाई का वक्त है। और आज भाई और बहनों, जिस तरह से मंडी के बारे में टिप्पणियां की जा रही है, मंडी को जिस तरह से दलील करने की कोशिश की जा रही है, मंडी के बारे में गलत ढंग से बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो ये फिर से एक वक्त है जब मंडी को फिर से अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े होकर के संदेश देने के वक्त। और निश्चित रूप से आप सबको उसके लिए खड़ा होगा। आज देश एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे चल रहा है। आप देखिए, 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, और कहा कि आने वाले समय में भी हम इसको जारी रखेंगे। 25 करोड़ गरीब लोगों को 10 सालों में गरीबी रेखा से लेकर ऊपर उठाने का काम हमने सफलतापूर्वक किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है सभी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है, लेकिन आपके बार उन्होंने कहा है, ये मोदी की गारंटी है कि आयु जब बढ़ जाती है तो आदमी को और भी ज्यादा स्वास्थ्य की परेशानियां होती हैं, तो इसलिए 70 साल से ऊपर के सभी भाई बहनों का आयुष्मान में हेल्थ कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। यहां प्रचार कर रहे हैं कि त्रासदी आई और त्रासदी में सिर्फ वही लोग काम कर रहे थे, त्रासदी में हम जहां गए वहां गए। अरे तो सरकार में आप लोग हैं तो क्या जाना नहीं चाहिए था? और हम आप सबके बीच में इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि वही नहीं गए, हम लोग भी गए। जब बल विधानसभा क्षेत्र में, नाजन विधानसभा क्षेत्र का हमारा जो लोअर बेल्ट का इलाका पानी से पूरा भर गया, रेत से भर गया, बजरी से भर गया, जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, पैदल नहीं जा सकते थे, तो हम ट्रैक्टर में बैठ करके भी, विनोद जी, मैं, सभी हम यहां पर, गांधी जी, सब लोग ट्रैक्टर में बैठ करके भी घर घर में जाकर के देखने को पहुंचे। 1800 करोड़ रुपए दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी की मदद के, त्रासदी में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने दिया, क्या वो उन लोगों को पहुंचा जो लोग पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए? आज भी जिनका घर टूटा पड़ा है वो इंतजार कर रहा है,
हां कुछ लोगों को मिला, वो लोग जो कांग्रेस के लेटर पैड पर जो है सिफारिश लगा करके गए उनके खाते में तो पैसे आ गए, चाहे घर सलामत है तो भी पैसे आ गए। लेकिन जिनके घर में नुकसान हुआ, पशुशाला चले गई, वो अभी तक इंतजार कर रहा है। और हम आज पूछना चाहते हैं कांग्रेस के नेता इस बात को बोले कि आपने प्रदेश सरकार के माध्यम से कितना पैसा दिया। एक पैसा नहीं दिया भाई और बहनों। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब हमने पूछा तो बगले झांकने लगे। हमने कहा ये पैसा कौन सा पैसा, सारा का सारा पैसा वो पैसा जो त्रासदी में लोगों की जान पर जान जाने के बाद दिया गया, जो लोगों के घर बहने के बाद दिया गया, किसी का नुकसान होने के बाद दिया गया, वो पैसा वही पैसा है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से लिया। इसलिए इस सारे विषय को लेकर के बात न करने की आवश्यकता। या हमारे साथ ही कह रहे थे गारंटी का कुछ नहीं है। भाई अब गारंटी की बात क्या करनी, अब जब इस सरकार की अपनी ही गारंटी नहीं है तो गारंटी के बारे में क्या बात करनी। या माता बहने बैठी है हमारी, कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए आपके खाते में आएंगे, विधानसभा के चुनाव से पहले कहा था, फार्म उस वक्त भी भरे थे, 15 महीने बीत गए। और 15 महीने बीतने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया फिर लगा इनको कि महिलाएं अब छोड़ेंगे नहीं, ऐसी सूरत में फार्म छापो और छुपवा करके फार्म बांटना शुरू कर दो। बहन जी, चाची जी, दीदी जी, बुआ जी सबको बुला बुला करके कह रहे हैं फार्म भरो, फार्म भरो। अब वो बुआ दीदी सब बोल रही हैं कि 15 महीने पहले भी आप लोगों ने यही काम किया था लेकिन मिला नहीं और ना ही मिलेगा। मैं अब इस बात को कह रहा हूं और अब मैं इस बात को प्रश्न पूछता हूं, इस बात का प्रश्न पूछता हूं उन लोगों से, कांग्रेस के नेताओं को, कितनी बार आपने आप हमारी माताओं बहनों को जलील करते रहे। क्या यही आपने सोच रखा है कि 1500 रुपए का लालच देकर के आपकी बात पर हर बार ये वोट देते रहेंगे आपको। माताओं बहनों ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि हो लिया, एक बार आपने ठग लिया, लेकिन बार बार इस तरह से जलील करके ठगने की बात करें तो बहुत महंगी पड़ेगी और अब की बार वो महंगी पड़ने वाली है। तमाशा बना के रखा और भाषण दे रहे हैं सुक्कू जी कि जयराम ने रोक रखा है, जयराम ने रोक रखा। हमने कब रोका भाई, 15 महीने आपके पास सरकार बनने के बाद काम करने के लिए थे, आपने नहीं दिया, किसने रोक रखा था? गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो 15 महीने से दे के रखी है, वो गोबर लोगों ने खेत में भी नहीं डाला। आपकी बात कहा कि सुक्कू जी आएंगे तो 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर उनको ही देंगे, गोबर सूख गया लेकिन सुक्कू जी आए। गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर, वो भी अभी तक मिला नहीं। 130 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और उसमें से 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी देने की इनमें घोषणा की थी। 15 महीने बीत गए, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। हां कुछ लोगों को नौकरी मिली, कैबिनेट दर्जे के साथ मिली, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, कुछ नहीं उनको करना पड़ा, ना फार्म भरना पड़ा, ना ही कुछ और करना पड़ा। वो साथी थे, दोस्त थे, उनको हमने जरूर लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी मैं याद करवाना चाहता हूं, हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, हमने माताओं बहनों को कभी नहीं कहा कि आप फार्म भरिए। हमने कहा कि माताओं बहनों की हमारी संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो आने जाने का बसों का किराया भी आपसे आधा लिया जाएगा। हमने कोई फार्म भरा था? हमने कोई गारंटी दी थी? नहीं दी थी, ना गारंटी दी थी ना फार्म भरा था। हमने हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम बिजली पैदा करने के बाद दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं और दूसरे प्रदेशों में बिजली बेचते हैं,
तो हमारे गरीब लोगों को हिमाचल प्रदेश में जो बिजली जो है थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि एक गरीब आदमी जिसके घर में 5-6 बल्ब लगते हैं, 7 बल्ब लगते हैं, उनके घर में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। उन्होंने कहा 90 यूनिट, 100 यूनिट, 110, 115, 120 से ज्यादा नहीं होती। हमने तय किया कि 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर हम कोई पैसा नहीं देंगे। आज भी इस बात को देख रहे हैं, जिनके घर में 125 यूनिट से बिजली कम खर्च होती है उनके घर में बिल आता है, बिल आता भी होगा तो 0 बिल आता है। हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने फार्म नहीं भरा था, लेकिन बिना फार्म के हमने काम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम यह होता जब वो बीमार होता, इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए हेल्थ कवर दिया, लेकिन बहुत सारे हिमाचल के लोग बच गए थे जिनको अभी तक उसमें कवर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा हर हिमाचली को 5 लाख रुपए का इलाज करने का इंतजाम करेंगे। हिमकेयर की शुरुआत, आज 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हिमकेयर का देने को पड़ा हुआ है। आज गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है तो हिमकेयर का कार्ड उसको दिखाता है, डॉक्टर कहता है सॉरी अब हिमकेयर के अंतर्गत हम इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा जो है, हमारे पास जो पैसा आना था वो पैसा आया ही नहीं। उस गरीब आदमी की जिंदगी संकट में डालती है। इतना भी इनको मानवीय दृष्टिकोण नहीं आया। 25,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार पड़े हैं, किसी बीमारी के शिकार हुए, एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, उनके लिए सहारा योजना हमने शुरू की। 3,000 रुपए उनके हर महीने उनके खाते में आते हैं। लेकिन जब से सरकार बनी है सहारा योजना का सहारा भी बंद कर दिया, वो पैसा डालना बंद। हमने सुक्खू जी को पूछा आप काम क्या कर रहे हैं 15 महीने में, बताइए तो सही, एक काम बताइए, एक काम बताइए वो हिमाचल प्रदेश में आपने गरीब लोगों के लिए किया हुआ। सारे विकास के रास्ते बंद, तो चले हुए संस्थान वो बंद, आपके हिम केयर बंद कर दी, सारा योजना बंद कर दी, जनमंच आपने बंद कर दिए, सारे काम बंद कर दिए। आप चाहते क्या है इस प्रदेश में? सिर्फ उनका मकसद इतना है कि कुर्सी मिली है, ये बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी बंद होता रहे हमें कोई परवाह नहीं। और ये कुर्सी भाई और बहनों अब नहीं बचने वाली, मैं कह रहा हूं ये जाने वाली है। ये सरकार जा चुकी है, नजरों से भी गिर चुकी है और बहुमत में भी गिर चुकी है सरकार। जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, जब परिणाम निकला, राम भक्तों की जीत उसमें हुई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट उसमें जीते और कांग्रेस पार्टी बहुमत होने के बावजूद भी हार गई। उसके बाद हम कह रहे हैं क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार बची है क्या? मुझे कहते हैं कि जयराम का हिसाब बड़ा कमजोर है। मैंने कहा हिसाब आपका भी मजबूत नहीं लग रहा मुझे। कहते थे हम तो 43 हैं, 43 हैं, 40+3, 3 इंडिपेंडेंट, और हमारे बारे में कहते थे आप तो 25 हैं। लेकिन हिसाब में कहां गड़बड़ हुई जरा देखें तो सही, आप 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे, और मेरे हिसाब से तो हमारा हिसाब ठीक ही है। और जब बराबर हो गए वहां पर वोट हो गए, राज्यसभा के वोट बराबर हो गए, तो बराबर होने के बाद पर्ची डाली गई, तब हमको पूरा विश्वास हो गया कि जीत राम भक्तों की होगी और हार उनकी होगी, जो इस बात का ऐलान कर गए थे चुनाव का परिणाम निकलने के बाद कि इस हिमाचल में 97% हिंदू हैं। मैं हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया, सनातन को हरा करके आया, इसका खामियाजा हमने कहा भुगतना पड़ेगा। और परिणाम में जब पर्ची उठाई गई तो हमने भगवान रामचंद्र जी के समक्ष हाथ ही जोड़े, हे प्रभु राम भक्तों पर दया करना, कृपा करना, और पर्ची उठी, भाजपा की जीत हुई और जो राम विरोधी थे उनकी। उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बजट पारित होना था,
बहुमत नहीं था, बजट अगर नहीं उपास होता तो सरकार गिर जाती। और ऐसी सूरत में क्या किया, हम भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया, गांधी जी को भी शामिल किया गया, विनोद जी भी शामिल थे उसमें, 15 विधायकों को 100 कमांडो बुलाकर के विधानसभा के अंदर से उठा के बाहर फेंक दिया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। तो सरकार है कहां मुझे बताइए तो सही। जो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार, मेरे हिसाब से सरकार नहीं है। और ये सरकार अगर टेक्निकल ग्राउंड पर है तो ये रहने वाली नहीं है, इस बात को हम साफ कह रहे हैं। 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और आज मुझे लगता है कि आज शाम तक जो परिणाम ये भी हो सकता है कि जो 3 निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र देके रखा है उनका भी रेजिग्नेशन स्वीकार करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया है, करना पड़ेगा। और इसलिए इन सारी बातों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये सरकार तो गई हर हालत में गई। जब 4 जून को परिणाम निकलेगा तो सरकार एक नहीं 2 बनेंगी। ठीक कह रहे थे विनोद जी, 1 के साथ 1 फ्री मिलेगी। दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए जोर कितना लगाना है सरकार बनाने के लिए, 2 सरकारों के लिए 2 गुना जोर चाहिए भाई। अब आपके पता नहीं क्या होता, जो हमारे क्या होता है सर, आज में जब बड़ा कोई मंदिर का काम लगता है तो बड़े बड़े पेड़ जो है वो काट करके उस मंदिर के निर्माण के कार्य में लाने होते हैं, उठा करके, और उसमें जब चढ़ाई में भी उसको उठाना होता, उठाया नहीं जाता, फिर रस्से से उसको बांधते हैं, फिर घसीटते हैं, उसको खींचते हैं, तो हेसरू बोलते हैं हमारे उसको। तो ऐसा हेसरू लगाना बड़ी जोर से, मतलब और एक रिदम के साथ होता, एक साथ जोर लगाते हैं, कितना बड़ा भी पेड़ हो उसको उठा करके वो कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो ऐसा जोर हेसरू लगाना पड़ेगा आप सबको, बल बड़ों को भी, ये मेरा आप सब चाहते हैं। और बाकी बातों को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं भाई और बहनों, बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन पिछली बार 34,000, अब की बात क्या करना है, 35,000। दोनों गलत करनी मान, मैं पहाड़ी आदमी और मैं तो सच्ची बात बोलता हूं। हाँ, 35 बोल रहे हैं। तो हमारे इस बार जो नारा लगा हुआ पूरा देश के लिए, जो पूरा नारा लगा है, अब की बात देश का नारा 400 पार, अब की बार। और हिमाचल प्रदेश में नारा लगा है, अब की बार फिर क्या, आपकी अब हिमाचल का नारा लगा, अब की बार 4 की 4, ये हिमाचल अब की बार। और बल में नारा लगा अब की बार 35,000, अब की बार। देखना गांधी जी, हमने बोल दिया है और ये पूरा करना है भाई। एक एक वोट जो है वो मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे और राम मंदिर जी का निर्माण वहां बन गया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी आंखों के सामने आपने देख लिया और ये हमारा सौभाग्य है। और आज जो 500 वर्षों का जो वो संघर्ष जो है अपनी परिकाष्ठा पर पहुंचा, अपने लक्ष्य को छुआ है, लक्ष्य को प्राप्त किया है, और आज अगर कमी रह जाएगी तो कभी भी माफ नहीं होंगे, माफी नहीं मिलेगी हम सबको। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इस काम को पूरी ताकत के साथ करना है। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, जो पन्ना प्रमुख यहां पर बैठे हैं, पन्ने में 30 लोग हैं, 30 में से 30 के 30 करने की कोशिश करो। 2 छूट जाते हैं, 3 छूट जाते हैं, 4 छूट जाते हैं, कोई परवाह नहीं, कुछ जगह छूट भी जाएंगे और कुछ जगह आप पूरा करने की कोशिश करें। इतनी बात मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपका जो मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को मिला
तो हमारे कार्यकर्ता पिछली बार से ज्यादा लीड दिलाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधुओं का, और स्पेशल धन्यवाद करता हूँ पाथा बूथ से जो एसटी मोर्चा